हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं संस्कृत का तीसरा पार्ट स्वावलंबन के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है उच्चारण करो, तो उसमें आपको उच्चारण खुद से करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रश्नों के उत्तर लिख कर बताने हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, यानी किसके भवन में सारी सुख सुविधाएँ थीं। तो उत्तर में क का उत्तर आप लिखेंगे श्री कठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, ठीक है, यानी सारी सुख सुविधाएँ थीं किसके घर में, जो श्रीकंठ था उसके घर में। कस्य ग्रह कर्म करह नासीत, यानी किसके घर में नौकर नहीं थे। तो कृष्णमूर्ति के में तो लिख देंगे कृष्णमूर्ति ग्रह कर्म कर नासीत। उसके बाद श्रीकंठ से अतिथ्यम के अकुर्वन, तो श्रीकंठ के अतिथि जब वो बन के आए थे तो उसके जो जो भी उसका स्वागत किया, सत्कार किया, वो किसने किया। तो कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य अतिथ्यम अकुर्वन, यानी जो अतिथि था श्रीकंठस्य उसकी जो आदर सत्कार था, स्वागत सत्कार था, वो कृष्णमूर्ति उसके माता पिता जी ने किया था। उसके बाद प्रत्येक चतुर्थे वर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति। तो यहाँ ना ये क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सर्वदा कुत्र सुखम, ठीक है। तो सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा कुत्र सुखम, ये वाला क्वेश्चन इधर जो है लिखा जाएगा। इसका अर्थ है कि हर समय कौन खुश रह सकता है, ठीक है। तो खुशी उसी को मिलेगी जो होगा स्वावलंबी, यानी खुद पे निर्भर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ये इसका आंसर जो है घ का वो ये ना करके, क्योंकि क्वेश्चन बदल गया है तो आंसर भी बदलेगा, तो सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम ये हम लिख देंगे। सर्वदा आप घ का आंसर लिखेंगे, सर्वदा स्वावलंबने, स्वावलंबने, लंबने के बाद आप लिखोगे एव सुखम, ठीक है, वह है ये सुखम, सुखम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद ये व है, ध्यान रखिएगा ब नहीं व है, व। चलिए एक बार मैं ना हटा देती हूँ उसको, दोबारा से लिख देती हूँ एव सुखम, ए व सुखम, ठीक है, ये ए है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तो जो है वो है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते ग्रह कदा आगच्छत, ठीक है। ये आपका बुक में आप देखोगे तो यही आपका क्वेश्चन होगा। तो इसमें आप आंसर लिखोगे श्रीकंठ प्रातः नववादने कृष्णमूर्ते ग्रहम आगच्छत, ठीक है। उसके बाद च वाला जो है वो है कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा संति, कितने नौकर नौकर की बात नहीं कर रखी इधर। कर्मकरा का मतलब होता है काम करने वाले, यानी सहायक, तो एक तरीके से हम नौकर ही बोल सकते हैं। तो हाँ, नौकर भी सही रहेगा कि कितने नौकर थे, उसने बोला था ना कृष्णमूर्ति ने कि मेरे तो 8-8 नौकर हैं। तो लिखोगे कृष्णमूर्ति है अष्टो कर्मकरा संति, कौन कौन से, दो आँख दो कान दो हाथ दो पैर, है ना। उसके बाद चित्राणी गणितवा तदग्रे संख्या वाचक शब्द लिखत, तो ये जितने हैं ना उन इतनी आपको कितने हैं ये आप गिनकर इधर लिखनी है, ठीक है। तो पहले वाला हो जाएगा आपका अष्टादश, ठीक है, अष्टादश, ठीक है, क्योंकि गिनकर हमें लिखने हैं। तो ये अगर आप गिने तो 18 हैं, 18 को हम अष्टादश बोलते हैं। ये जो फुटबॉल है वो है पंचदश, ठीक है, 15 को हम बोलते हैं, और इनकी संख्या है चतुर्विंशति, विंशति, ठीक है, चतुर्विंशति, क्योंकि ये 24 हैं। उसके बाद ये हमारे एक विंशति, ये एक विंशति, ठीक है, ती, क्योंकि अगर आप गिने तो इस रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 3 रोज हैं तो 7 × 3 कितने होते हैं, 21, ठीक है। तो ये उसके बाद कैंडल्स, ये होगी हमारी षट त्रिंशत, ठीक है, आप श और ट लगाइएगा ठ की जगह और फिर त्रिंशत लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी पत्तियाँ,
ये हैं त्रया शन त्रिशत, ठीक है। आप त्रया त्रिंशत इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको जो है 28 को क्या बोलते हैं, 28 को अष्टाविंशति, 27 को सप्तविंशति, 30 को त्रिंशत। देखो यहाँ लिखा हुआ है 31 के आगे आप लिख देंगे एक त्रिंशत, ठीक है। इसी तरीके से 44 के आगे चतुर्विंशति, 40 के आगे चतुर्विंशत, और 50 के आगे पंचाशत, ये सब लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चित्र को देखकर आपको जो है यहाँ पर कुछ लिखना है इसके बारे में कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो एषः कृषक क्षेत्रम कृषति, कृषक जो है वो क्षेत्र को कृषि कर रहा है ना, मतलब जोत रहा है। उसके बाद खनन कार्यम कुरुत, एते कृषकः धान्यम रोप्यति, धान वगैरह और जो काम होते हैं सारे के सारे खेत के वो सब कर रहा है। उसके बाद यहाँ से ना आपको प्रश्न बनाने हैं, जैसे अहं स्वावलंबन से सुखम प्रतिदिनम अनुभवती, तो यहाँ पर जो है अहाँ की जगह स्वावलंबनस की जगह कस्य लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको ना प्रश्न बनाने हैं, कृष्ण मूर्ति सामान्य कृषक पुत्र आसीत, तो कृष्ण मूर्ति सामान्य कृषक मतलब किसी समान से किसान का पुत्र था, तो कृष्णमूर्ति पुत्र था। कृष्णमूर्ति पे अंडरलाइन है, तो कृष्णमूर्ति की जगह आप लोग कह लगा देंगे। कह मतलब कौन, मतलब कह मतलब हाँ, कौन एक समान से किसान का पुत्र था, तो हमने क्वेश्चन बना लिया, तो सेंटेंस दे रखे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसी अधुना ग्रह कौद्यपि कर्म कर नास्ति, किसके घर में कोई भी उसके घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था, ठीक है। तो ग्रह की जगह कस्मीन हो जाएगा, किस मतलब उसके किस जगह में कोई भी काम करने वाला नहीं था, घर में था, घर में नहीं था, ठीक है। नक्षतात्रम आवगमन स्वभे भवती, तो यहाँ केशाम आ जाएगा और लास्ट वाले में कति आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो यहाँ से प्रश्न 7 है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, रिक्त स्थान को भरेंगे, तो पहले में आपका षडा आ जाएगा, दूसरे में द्वादश लिखेंगे, तीसरे में त्रिंशत और एक त्रिंशत, घ में आपका अष्टाविंशति और ण में आपका आ जाएगा द्वो, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा नहीं है, आगे हमारे ख़त्म होते हैं, लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।